जब बुढ़ापा होगा तो ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, यानी आज के 50,000 उस वक्त 50 नहीं और ज्यादा चाहिए पड़ेंगे। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि उसको यानी उस खतरे से बचने का एक इलाज है कंपाउंडिंग, तो वो आप समझना चाहूंगा, लेकिन आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ जी, क्योंकि हम समझना पहले चाहते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और उसके बाद हिरन से और उनकी टीम ने हमें एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके दिया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा खतरा होने वाला है रेगुलर सैलरी बंद होने वाली है रिटायरमेंट के बाद या आपकी उम्र बढ़ने के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस अक्सर आपका दफ्तर या आपकी कंपनी आपको देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। आपका अपना स्वास्थ्य बीमा बंद हो जाता है और स्वास्थ्य का खर्च बढ़ने लगता है और महंगाई से भी सामना हो। तो धीरज, अब मैं ये समझना चाहूँगा दोबारा कि सब क्या है जो आप अभी बता रहे थे। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और ये तैयारी की जा सकती है, लेकिन बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, इसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन भी रिटायरमेंट एज जो पहले 60 साल था और लोग का जो लॉन्जिविटी था, लोग 70-75 साल तक जीवित रहते थे, अब लोग 85 साल तक जीवित रहेंगे, तो आपका जो काम करने का जो उम्र है वो भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें अपना काम करने वाला उम्र अगर आप कम करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करनी होगी और ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। दूसरा चीज़ कि आपको अपने पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए और उसको रफ्तार से बढ़ाइए और उसमें हाथ मत लगाइए। तीसरी चीज़ कि बहुत सारे पॉन्डरेबल्स हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएँ हैं कि आपका हेल्थ कंडीशन क्या होगा, आपके डिपेंडेंट्स कैसे होंगे, क्या उसकी आपने तैयारी कर दी, क्या, क्योंकि नियमित खर्चा तो एक चीज़ है, इमरजेंसीज और बड़े खर्चे, बच्चे की पढ़ाई, मकान बनाना, पेरेंट्स का देखभाल, और इनकी तैयारी बहुत, आपको ये महीने के खर्चे के हिसाब से नहीं आता है, इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी। गोल भी पूरे कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल यानी वर्ल्ड टूर भी करना है और रिटायरमेंट के लिए पैसे भी बचाना है, तो इसलिए फंडा की जरूरत पड़ेगी धीरेन्द्र, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। और ये जो खतरे हमने देखे, इसके अलावा कुछ और खतरे भी धीरेन्द्र ने दिखाए हैं और हम उसको कुछ नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2030 में रिटायर होना चाहते हैं, अभी आपकी सैलरी 50,000 है तो 2030 में वो 74,000 रुपये आपको चाहिए होंगे उतना ही काम करने, उतना ही खर्चा चलाने के लिए, और इसका मतलब होगा कि आपके पास कोई 2-1 करोड़ के आसपास का जो पूंजी इकट्ठी हो जानी चाहिए। यानी आज की सैलरी 50,000 है और 2040 में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको उस वक्त करीब करीब 1.25 लाख रुपये हर महीने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आपको करीब करीब 2-3 करोड़ रुपये की पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। आज की सैलरी 50,000 है और 2050 में आपको रिटायरमेंट लेना है तो तब तक आपको 2 लाख रुपये महीने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए पास होनी चाहिए कोई 4-6 करोड़ की पूंजी हाथ में होनी चाहिए ताकि उसके ब्याज से आप अपने महीने के खर्चे चला सकें। धीरे, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए ताकि उससे जो मिलने वाली आमदनी है उसको आप कंज्यूम कर लें, अगर आप खर्च भी एक पार्शली अगर आप खर्च कर लें तब भी कुछ पैसा बचना चाहिए जी। आप सारी आमदनी को कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई दर से जूझने के लिए, महंगाई से जूझने के लिए उस पैसे का बढ़ना भी ज़रूरी है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। वो
पूरी है सिट्टी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। गुड़िया सिट्टी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।